So hey guys, good morning everyone and welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing extremely well. तो बस आज है 7th of May और 7th of May पे मेरा बर्थडे रहता है. कई सारे व्यूवर्स को पता होगा और नहीं भी पता है तो मैंने बता ही दिया. तो बस आज का ब्लॉग पूरा जो है वो बर्थडे पे ही होने वाला है. तो सुबह से उठा था तब से लेके अब तक जो है सबको रिप्लाई देता था व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने मेंशन किया था उनको भी. और एक काम था वो काम भी समाप्त किया मैंने अभी और फ्रेश होना बाकी है मेरा. तो फ्रेश होता हूँ और उसके बाद हमें बनाना है केक, क्योंकि इस टाइम मुझे बाहर से केक नहीं लाना है. क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट वेव था कोरोना का तब मैं लेके आया था, लेकिन इस टाइम जो है सेकेंड वेव भी ख़त्म होने में आया है. थर्ड वेव कभी आ सकता है, कभी भी बताया गया ऐसा. तो बस हमें रिस्क नहीं लेनी है इस टाइम. तो उसी की वजह से जो है मैं घर पर केक बनाने वाला हूँ. यूट्यूब वीडियोज़ देख के तो यार सब बन जाता है घर पर. तो बस लास्ट टाइम भी एक बार बनाया था मैंने ओरियो वाला केक, तो आज भी बनाते हैं और होपफुली अच्छा बन जाए. तो चलो फटाफट फ्रेश होता हूँ और उसके बाद केक बनाता हूँ. सो गाइस, मैं तो अभी बहुत टाइम के बाद कैमरे के सामने आ रहा हूँ. मतलब सुबह मैंने आप लोगों से बात की थी, सीधा अभी मैं आ रहा हूँ 4 बजे कैमरे के सामने. सारा काम ख़त्म कर दिया. और एक चीज़ देखो, आज तो यार बारिश आ रही है सीधा यहाँ पे. तो बारिश आ रही है. मैंने जो अपने गैजेट्स है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह सब चार्ज करके रखे, क्योंकि पावर जो है वो कभी भी जा सकती है. तो कैमरा भी फुल चार्ज है, सब चार्ज है. सिर्फ अभी मुझे जल्दी से केक बनाना चाहिए, क्योंकि अगर पावर चली गई तो ओवन भी नहीं लगा सकते. तो गाइस बस, तो अभी फटाफट मैं केक तैयार करता हूँ. 4 तो बज चुके हैं, थोड़ी देर में करता हूँ. क्योंकि जो केक है वो हमें फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि जो केक मैं बनाने वाला हूँ अगर उसको फ्रिज में रखते तो वो जो है हार्ड हो जाएगा उसी की वजह से. तो बस थोड़ी देर में केक बनाते हैं और आप लोग तो देखने ही वाले हो. तो बस अभी जो है बारिश का आनंद उठाते हैं बाहर बैठ के, और बस उसके बाद आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि पावर कभी भी जा सकती है, तो सच में अभी तो पावर तो चली गई है. मैंने कैमरा बंद किया और देखा, पीछे AC चालू था, पीछे जाके देखा तो सच में यार लाइट तो चली गई है. अब कब आएगी पता नहीं यार. ठीक है, उसका वेट करते हुए अभी लाइट आने के बाद फटाफट से केक बना लेंगे. जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन पहले केक बना लेंगे. तो चलो गाइस, अभी तो लाइट आ चुकी है और अभी फटाफट केक बनाता हूँ. ये कुछ मैंने ओरियो के बिस्किट्स लाए हैं, इतने हैं मेरे पास, और कुछ जेम्स वगैरह है केक के ऊपर से थोड़ा डेकोरेट करने के लिए. तो फटाफट इसको निकालता हूँ. तो सारे बिस्किट जो है वो मैंने निकाल लिए और अभी मिक्सर के ऊपर रख दिया है. अभी इसको क्रश करते फटाफट यहाँ पे. सो ये एकदम अच्छी तरह से क्रश हो चुका है और अभी इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं फटाफट. तो ये जो है मैंने निकाल लिया है बाउल में, और इसमें मैंने जब क्रश करा था मिक्सर पे तभी मैंने इसमें थोड़ा शुगर डाल दिया था. तो आप लोग भी शुगर डाल सकते हो. और अभी मुझे इसमें जो है बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर है, तो बेकिंग पाउडर डालता हूँ अभी इस पर. तो एक स्पून लेते हैं इस पर बेकिंग पाउडर. तो एक स्पून बेकिंग पाउडर इसमें डालते हैं. मुझे लग रहा कि और थोड़ा लेना चाहिए, तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो. तो मैंने इतना बेकिंग सोडा लिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स कराना है. तो अभी ये मैंने जो है सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके बाद अभी हमें इसमें डालना है थोड़ा सा दूध, मिल्क. तो बस अभी जो है मैं इसमें थोड़ा मिल्क ऐड करता हूँ और फिर इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करवा दूँगा उसको. तो चलो इसमें मिल्क डालता हूँ अभी मैं. तो अभी जो अपना ये मिश्रण है ये रेडी हुआ है अच्छे से, देख सकते हो. तो अभी इसको हमें निकाल लेना है इसमें. तो
तो इसको भी अभी पहले क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद डालता हूँ इसको। तो अभी इसको डाल के इसके अंदर तो मेरे से एक गलती हो गई। अभी मैंने जो मटेरियल है वो इसमें डाल दिया, लेकिन यार ये मटेरियल डालने से पहले यहाँ पे मुझे ऑयल लगाना था, जो ये पूरा है ना, इसको मुझे तेल लगाना था नीचे से ऑयल। लेकिन अभी पूरा मटेरियल निकालना पड़ेगा और उसके बाद मुझे धो के अच्छे से फिर तेल लगा के फिर से मटेरियल डालना पड़ेगा। यार बॉस बहुत काम बढ़ गया है मेरा अब। चलो यार निकालो अभी, क्या कर सकते हैं। सो अभी मैंने कर लिया इसको क्लीन और ये मटेरियल तो इधर निकाल ही लिया था मैंने यहाँ पे। तो अभी इसमें जो ये थोड़ा ऑयल डाल के पूरा आजू बाजू में भी लगा देते हैं, तो ताकि निकालने के वक्त यार ये चिपक ना जाए, इसी के लिए। तो इसको हैंड तो वॉश किया है मैंने, तो इसको अभी अच्छे से ऐसे रगड़ लेते हैं। साइड में भी लगाना है कॉर्नर्स पे, ताकि जो अपना केक होने वाला है वो साइड में भी नहीं चिपकना चाहिए। तो बस ये भी इसको अच्छे से लगा दिया है मैंने। और अभी जो है इसमें ये मटेरियल डाल देंगे। सो जो मटेरियल था वो तो मैंने डाल दिया और अभी मैंने माइक्रोवेव में रख भी दिया, इसको देख सकते हो आप लोग। तो बस मैंने 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रख दिया है और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैंने 5 मिनट लगाया था माइक्रोवेव पे और अभी 5 मिनट तो कंप्लीट हो चुके हैं। और जो है अगर हमें देखना है कि ये कैसा हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो टूथपिक होता है टूथपिक हम लोग इसमें डाल के चेक कर सकते हैं। टूथपिक को लग के अगर आया तो आप और 1-2 मिनट बढ़ा सकते हो, मेरा जो कि नहीं आया है। तो अभी इसको निकालता हूँ और थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, मतलब फ्रीज में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉर्मली रखता हूँ। तो बस और उसके बाद इसको निकालेंगे डिश में। तो अभी इसको तो हो चुका है, 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर में रख के। तो अभी इसको जो है वो प्लेट में निकालते हैं, तो चलो देखते हैं कैसा निकलता है गाइस, क्योंकि सेकंड टाइम कर रहा हूँ। इसके पहले एक बार किया था तब तो अच्छा हुआ था, लेकिन आज का पता नहीं। लेट्स सी, होपफुली अच्छा निकल जाए। तो अभी इसके ऊपर जो है थोड़ा नॉक करते हैं यहाँ पे ऐसा, करो नॉक करो नॉक करो नॉक कर यहाँ पे। बस तो थोड़ा सा देख लेते और अभी इसको निकालते हैं कैसा निकलता है, पता नहीं यार। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया है भाई, देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरह से निकला है। तो इसकी जो वजह है वो तो यही है कि मैंने इसके नीचे जो है वो ऑयल लगाया था, उसी की वजह से अच्छा निकला है। अभी इसको जो है थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं जितना हो सकता है। मैंने 1-2 चीज़ लाई है, ये लाया है जेम्स लाया है और ये लाया है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट करने की कोशिश करते होपफुली कि अच्छा हो जाए। टेस्ट तो इसका अच्छा होगा, क्योंकि जो मटेरियल था वो मैंने टेस्ट किया था और इसको भी दिया था, तो दोनों को पसंद आया हम लोगों को। तो बस अभी इसको डेकोरेट करते हैं और हो सकता है तो जल्दी काट लेंगे, वरना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो क्रीम वगैरह नहीं मिला है मुझे, तो सिर्फ इतना ही डेकोरेट करने वाला हूँ मैं। और हो सकता है तो एक्स्ट्रा के जो ओरियो बिस्किट्स है वो इसके ऊपर लगा दूंगा, और चॉकलेट सिरप भी नहीं मिला मुझे यार, तो ठीक है, मतलब भूल गया मैं। तो ठीक है अभी इसको डेकोरेट करता हूँ। सो गाइस फाइनली जो केक है वो डेकोरेट भी हो चुका है, सो देखो आप, थोड़े सिनेमेटिक शॉट लेता हूँ, वो एंजॉय करो। I'm so happy.
सो गाइस, जब तक आप मेरे सिनेमैटिक्स देख रहे तो तब तक तो मैं फ्रेश हो गया और सब जो कपड़े वगैरह वो भी पहन लिए। तो जो केक है वो यहाँ पे नहीं कट करने वाला हूँ, जो केक है वो मैंने दीदी को दे दिया है, वो आई थी यहाँ पे, तो केक मौसी के घर पे कट होने वाला है। तो चलो फटाफट वहाँ पे जाते हैं और केक कट करते हैं। चलो गाइस। A few moments later. सो सब कुछ हो गया, केक कटिंग हो गई, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया और उसके बाद खाना भी खा लिया। खाना तो यार बहुत ज़्यादा हो चुका है। इधर जो है सिस्टर ने इडली बनाई थी, इडली चटनी सांभर, वो देख के तो पता है आप लोगों को कि बहुत खा लेते हैं हम लोग, तो वैसा ही मेरा कुछ हुआ है आज हाल। तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज मतलब बस जो घर में सीढ़ियाँ है वही 4-5 बार में ऊपर नीचे किया है मैंने, क्योंकि बहुत खाना हो गया था। सो गाइज, मैं बहुत थक चुका हूँ और पसीना भी बहुत आ रहा है, सिर्फ आप लोगों के साथ बात करने के लिए मैंने फ़ैन कम किया है। तो बस इस वाले वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।